हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से वाई सर के एक और नए वीडियो में। तो आज हम लोग करने के लिए जा रहे हैं कक्षा 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो बना लेते हैं हम यहाँ पर ग्राफ का जो भी तामझाम है बना लेते हैं। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कि किसी भी बिंदु को दर्शाने के लिए दो रेखा खींचते हैं हम, एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं और एक उदग्र रेखा खींचते हैं। इस क्षैतिज और उदग्र रेखा को क्या बोलते हैं? ये क्षैतिज रेखा है और ये उदग्र रेखा है, क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा मतलब सोई हुई रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष, है ना? क्षैतिज रेखा को बोलते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, और खड़ी रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर या खड़ी रेखा को बोलते हैं, खड़ी रेखा को बोलते हैं वाई अक्ष, है ना? यही क्वेश्चन नंबर 1 था कि किसी भी बिंदु का पता लगाने के लिए, सही सही पता लगाने के लिए दो रेखा खींचते हैं हम, और उस दो रेखा का नाम क्या है? तो जो सोया है खरी और जो खरा है वो बरी, मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, है ना? क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, ये खींच तो दिए यहाँ पर, ये एक्स अक्ष खींच दिए, वाई अक्ष खींच दिए, है ना? ठीक है, ये खींचने के बाद ये पूरा प्लेन जो है ना, ये चार भागों में बटता हुआ नजर आ रहा है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। इस चारों भागों का क्या नाम है? इस चारों जो भाग है उसको किस नाम से जानते हैं? तो इसको जानते हैं चतुर्थांश के नाम से। अच्छा, क्वेश्चन में नहीं है लेकिन इसको चतुर्थांश 1 बोलते हैं, इस वाले को चतुर्थांश 2, इस वाले को चतुर्थांश 3 और इस वाले को चतुर्थांश 4 बोलते हैं, और सब सबको क्या बोलते हैं? चतुर्थांश ही बोलते हैं। तो इसको दूसरा का आंसर हो जाएगा चतुर्थांश। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो दो, एक क्षैतिज रेखा है और एक उदग्र रेखा है, मतलब एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी कि यहां पर काट रहा है ना, इस पॉइंट पे, इस बिंदु को क्या बोलते हैं? इस बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। इस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, या इंग्लिश में बोले तो ओरिजिन। तो तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 1 खत्म। देखते हैं क्वेश्चन 2 को। तो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, और यहाँ पर हमको क्या करना है पहले देख लो ध्यान से, है ना? हमको पूछ रहा है B का निर्देशांक, यानी कि यहाँ पर देखो बिंदु B है, है ना? B का निर्देशांक पूछ रहा है। B के लिए ये लिखते हैं ना, B अगर इसको देखो सूचित करेंगे ना, तो एक्स और वाई इस तरह से सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर B के लिए X का मान कितना होगा और Y का मान कितना होगा, ये हमको बताना है। तो B के लिए देखेंगे, सामने देखो X कितना है, B के लिए X कितना है, सामने -5 है ना। तो B के लिए यहाँ पर यहीं पर आंसर लिखते हैं, B के लिए X का मान कितना आ रहा है, -5, और Y का मान कितना आ रहा है, ये 2 आ रहा है। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, B का निर्देशांक 5-2 हो जाएगा। ठीक है, C का निर्देशांक देख लो, C का निर्देशांक, C बिंदु यहाँ पर है और यहाँ के ठीक ऊपर जाएंगे तो X अक्ष पर कितना दर्शा रहा है, 5। तो सबसे पहले X अक्ष को लिखते हैं 5। ठीक है, और यहाँ से ठीक इधर आएंगे तो Y कितना आ रहा है, -5। तो -5, यानी कि C का निर्देशांक कितना आ रहा है, 5 और -5। -3 -5 किस बिंदु को दर्शाता है? अब देख लो, -3 यानी कि x बराबर हमको -3 है, x बराबर -3 और y बराबर -5, y बराबर ये देखो -5 किसको दर्शा रहा है यहाँ पर, x बराबर -3 और y बराबर -5, बताओ जल्दी किसको दर्शा रहा है, e को ना।
तो यहां से इको। चौथा है दो और माइनस चार किस बिंदु को दर्शाता है। दो और माइनस चार देख लो, दो और माइनस चार, दो एक्स बराबर दो और वाई बराबर माइनस चार किसको दर्शा रहा है, जी को, है ना। तो ये जी को। बिंदु डी का भुज, अब देखो बिंदु डी सबसे पहले देखना है, बिंदु डी है कहां पर, बिंदु डी यहां पर है। भुज मतलब क्या है कि एक्स का मान कितना है, तो बताओ बिंदु डी के लिए एक्स का मान कितना आ रहा है, छे। इसका मतलब बिंदु डी का भुज कितना हो जाएगा, छे। बिंदु एच का कोटि, अब बिंदु एच सबसे पहले देखना है कहां है, बिंदु एच, जी ई एच, एच यहां पर है। कोटि मतलब वाई का मान कितना है, वाई अक्ष पर कितना को किसको सूचित कर रहा है, ये वाई अक्ष पर किसको सूचित कर रहा है, माइनस तीन को, इसलिए बिंदु एच का मान माइनस तीन। एल का निर्देशांक क्या है, बिंदु एल देखो कहां पर है, देखो एल जो है ना यहां पर है, और ये देखो सिर्फ और सिर्फ वाई अक्ष पर, बिंदु एल जो है सिर्फ और सिर्फ वाई अक्ष पर है। अगर कोई बिंदु ऐसा है जो वाई अक्ष पर है, इसका मतलब है उसका वैल्यू, एक्स का जो वैल्यू है वो जीरो है, है ना। तो ये सबसे पहले तो एक्स का वैल्यू जीरो ले लो, और वाई जितने नंबर पर है वो बिंदु, वही उसका वाई का निर्देशांक है पांच, ठीक है। ठीक इसके उल्टे में अगला क्वेश्चन में आ ही जाएगा, बिंदु M का निर्देशांक, अब बिंदु M कहां पर है, यहां पर है। अब देख लो ये X अक्ष पर है, तो X अक्ष पर X का वैल्यू कितना हो गया, माइनस तीन। अब चूंकि अब यहां पर Y अक्ष पर था, तो X का वैल्यू जीरो, और ये X अक्ष पर है तो Y का वैल्यू यहां से जीरो। तो ये हमारा क्वेश्चन फाइनल खत्म होता है।